₹250 में अनलिमिटेड वेज थाली, वो भी खानदानी राजधानी में। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आई हूँ राजधानी, जो कि आर सिटी मॉल घाटकोपर में लोकेटेड है, और आज मैं आपको दिखाऊंगी इनकी वेज थाली। तो चलिए लेट्स गो एंड चेक इट आउट। राजधानी में आपको मिलती है मिक्स ऑफ गुजराती एंड राजस्थानी क्यूजीन, और वैसे तो इनकी थाली ₹490 में आती है, पर आपको ये थाली ट्यूसडे को मिलती है सिर्फ और सिर्फ ₹250 के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो आपको इस थाली के अंदर मिलेंगी कुछ मैंगो डेलिकेसीज भी खाने को। तो चलिए खाने की शुरुआत करते हैं। थाली लुक्स अमेजिंग गाइस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये है सैलड, ये है तीन तरीके की चटनियाँ, ये हैं दो फरसान, और साथ में है आपका दाल बाटी चूरमा, ये है तरोई की सब्ज़ी, ये है पनीर, आलू है, दही वाले चने, उसके साथ ही साथ है आपकी कढ़ी दाल, कलौंजी की सब्ज़ी। और रोटियों की बात करते हैं तो पूरी, रोटी, थेपला और रोटला, और उसके साथ में ये है राइस प्रिपरेशन, ये है खिचड़ी, ये है पुलाव, और ये है डिज़र्ट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं मिक्स फ्रूट हलवा, आमरस और मैंगो जलेबी। सो गाइस, चलिए अब ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फरसान के साथ, और ये है केरी करंचिया। ओ वाओ, बहुत ही क्रिस्पी है। इसको मैं खाती हूँ गार्लिक की चटनी के साथ। काफ़ी बढ़िया है ये। इसके अंदर इन्होंने स्टफिंग करी है ग्रीन पीस और कच्ची केरी की, और ये बहुत ही बढ़िया है। और इनकी जो गार्लिक की चटनी है वो भी बहुत स्पाइसी है। चलिए मैं इनकी मैंगो भेल ट्राई करती हूँ। इसमें इन्होंने कच्ची केरियों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है, और ये काफ़ी स्पाइसी और जायकेदार है। राजस्थानी खाने की बात हो रही हो और दाल बाटी नहीं ट्राई की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए मैं ट्राई करती हूँ। इसमें देसी घी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, और ये जो बाटियाँ हैं उनके अंदर एक बहुत ही सौंधापन है। ये है राजस्थानी खोबा रोटी, और इसके बीच में जो आप गड्ढे देख रहे हैं ना, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये घी अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। चलिए इसको मैं खाती हूँ खट्टी मीठी कलौंजी के साथ। ओके, काफ़ी खस्ता है ये खोबा रोटी, और ये खट्टी मीठी कलौंजी के साथ तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब बारी है पूरी और आम रस की। ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ जब ठंडे ठंडे आम रस के अंदर जाती है ना, मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है ये। अब डिज़र्ट्स की बारी। वैसे मैंने रबड़ी और जलेबी तो बहुत खाई है, पर आज मैं खाऊंगी इनकी मैंगो जलेबी। देखते हैं कैसी है। काफ़ी यूनिक ट्विस्ट है ये, एंड आई एम श्योर मैंगो लवर्स को ये बहुत पसंद आने वाला है। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया राजधानी में थाली खा के, और इनका आम रस तो वाकई बहुत ही कमाल का था। आई होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक माई वीडियो, सो डू हिट दी लाइक बटन, और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस थाली का लुफ्त उठा सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।